press the bell icon on the YouTube app and never. पश्चिम बंगाल में अगर मास बलात्कार होगा तो खैर डिंपल तो भाभी जी हैं, क्योंकि कई बार नेशनल न्यूज पर जब मैंने डिंपल यादव की बात कही है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो मेरे पर आग बगोला हो गए कि आपने डिंपल का नाम ही कैसे लिया। अरे भाई वो नेता है, वो पार्लियामेंट जाती है, वो इलेक्शन फाइट करती है, वो भाषणबाजी देती है, हजारों मर्दों के भीड़ में अगर हम खड़े होते हैं तो वो भी खड़ी होती है। तो हम बलात्कार पे बात कर सकते हैं, हम जा सकते हैं प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे, तो डिंपल यादव क्यों नहीं जा सकती? और अगर वाकई में उसको भाभी बन के रहना है तो घर में रहो ना कुकर डाल के, बाहर निकल करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की तो जरूरत नहीं है। अब आती है बात कि 74,000 पर कैपिटा इनकम जब कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जब 2,12,000 पर कैपिटा इनकम हुआ, इस पर भी बोलना नहीं चाहते हैं विपक्षी दल, नहीं बोलना चाहते हैं। जब भारत की अर्थव्यवस्था 10वें पोजीशन पर थी और अब आज 5वें पोजीशन पर आ चुकी है, इतना हाइक किया है हमने, तब भी बोलना नहीं चाहते हैं। महंगाई जो थी पहले 10% पर थी, अब 5% पे आ गई है, तब भी बोलना नहीं चाहते। नाज़िया जी, मैं आपको वापस इसी मुद्दे पर ला रही हूँ, महिला सुरक्षा के। आज मैं उसी पर आ रही हूँ आपके पास, इसलिए मैं पूरा बता रही हूँ कि कहाँ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और शिक्षित महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी, जिनका दमदार रिएक्शन देख के ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी को शाम सूख जाएगा। तो ये वीडियो काफी दमदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत का एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को फिर से वैसा ही औरंगजेब का कोठा बनाया जाए जैसा पहले होता था। अब आती है तीसरी बात आती है कि समाजवादी पार्टी एक औरंगजेब फैन क्लब है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। और कम से कम मैं मुसलमान बेटी इस भारत की, मैं तो इस बात, मेरे सामने अगर अखिलेश यादव खड़ा हो जाए तो शायद जवाब नहीं दे पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोईद खान जो आज धरपकड़ हुआ है, इसने ना जाने कितनी बच्चियों के साथ ये किया होगा, इसने ना जाने कितने बड़े बड़े अपराध किए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी के औरंगजेब फैन क्लब के हिसाब से मोईद खान आरोपी नहीं है और ना ही अवधेश के हिसाब से, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज है और स्लेव लौंडियां बांदियां कॉन्क्यूबाइन रखना ये मुसलमानों की बहुत पुरानी, सिर्फ मुगलिया नहीं 1450 साल से ये रीत चली आ रही है और इसको चलाने का काम अब भी 77 साल में अब भी शरिया कानून को मनवाने की चेष्टा करे ही जा रहे हैं मुसलमान। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो भी बलात्कार हुआ करते थे उसको शरिया कानून के हिसाब से लिया जाता था और जो बच्चियां क्योंकि प्यूबर्टी हो जाती थी उसका बलात्कार जायज हो जाता था। पर सोचिए इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव वैसे तो बड़े दंदनाते हुए बोल रहे हैं, लोकसभा में बड़ा शोर मचाते हैं, जाति क्यों पूछ ली, खुद पूछते फिरते हैं पत्रकारों से उनकी जाति, लेकिन इस मुद्दे पर उनको सांप सूंघ गया है। उनकी पत्नी जो लोकसभा की सांसद है डिंपल यादव, वो भी घुमा फिरा कर बातें कर रही है। सीधे सीधे कोई ये मानने को तैयार नहीं कि मोईद खान के साथ उनकी पार्टी के अयोध्या के सांसद का रिश्ता है, फैजाबाद के सांसद अवधेश का रिश्ता है, समाजवादी पार्टी का वो नेता है, इस पर बोलने से बच रहे हैं। बाकी कहीं किसी और जगह का मामला होता तो अब तक पहुंच गए होते, अगर उनकी पार्टी का नेता शामिल नहीं होता, किसी और समुदाय का कोई होता तो अब तक तो ये रोते गाते वहां पहुंच गए होते, डेरा डाल लिया होता इन्होंने। नहीं नहीं, इसमें भी सिलेक्शन है। पश्चिम बंगाल में अगर मास बलात्कार होगा तो खैर डिंपल तो भाभी जी हैं, क्योंकि कई बार नेशनल न्यूज पर जब मैंने डिंपल यादव की बात कही है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो मेरे पर आग बगोला हो गए कि आपने डिंपल का नाम ही कैसे लिया। अरे भाई वो नेता है, वो पार्लियामेंट जाती है, वो इलेक्शन फाइट करती है, वो भाषणबाजी देती है, हजारों मर्दों के भीड़ में अगर हम खड़े होते हैं तो वो भी खड़ी होती है। तो हम बलात्कार पे बात कर सकते हैं, हम जा सकते हैं प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे, तो डिंपल यादव क्यों नहीं जा सकती? और अगर वाकई में उसको भाभी बन के रहना है तो घर में रहो ना कुकर डाल के, बाहर निकल करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की तो जरूरत नहीं है। अब आती है बात
कि 74,000 पर कैपिटा इनकम जब कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जब 2,12,000 पर कैपिटा इनकम हुआ, इस पर भी बोलना नहीं चाहते हैं विपक्षी दल, नहीं बोलना चाहते हैं। जब भारत की अर्थव्यवस्था 10वें पोजीशन पर थी और अब आज 5वें पोजीशन पर आ चुकी है, इतना हाइक किया है हमने, तब भी बोलना नहीं चाहते हैं। महंगाई जो थी पहले 10% पर थी, अब 5% पे आ गई है, तब भी बोलना नहीं चाहते। नाज़िया जी, मैं आपको वापस इसी मुद्दे पर ला रही हूँ, महिला सुरक्षा के। आज मैं उसी पर आ रही हूँ आपके पास, इसलिए मैं पूरा बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर भारत में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उस पर बोलना नहीं चाहते हैं। मैं उसी को डिटेल में पूरे रेफरेंस के साथ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रोथ रेट जब 5% था कांग्रेस के जमाने में, तब बहुत अच्छा लगता था। ग्रोथ रेट 7.2% हो गया तो अब अच्छा नहीं लग रहा है। 99 बहुत बड़ा हो गया है, 240 बहुत छोटा है विपक्षी दलों के नजर में। आज उत्तर प्रदेश से लेकर के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहां का क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट पूरा परसेंटेज निकाले, वहां पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन घटा है, हर हाल में घटा है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में 37 सीटों का जलवा जलाल दिखाई दे रहा है, इस बार उत्तर प्रदेश में 37 सीटों का नगाड़ा सुनाई दे रहा है, इस बार उत्तर प्रदेश में 37 सीटें यादव परिवार लेकर के आए हैं समाजवादी पार्टी, तो मुसलमान से लेकर के यादवों का पजामा का नाड़ा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और मासूम बच्चियों को सिर्फ रेप नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको डरा के धमका करके उसको अपने अश्लीलता के ठरकबाजी का शिकार भी बनाकर रखे हुए हैं। बिल्कुल नाज़िया जी, लेकिन एक तरफ हमें ये देखना होगा कि आज भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है, सबसे बड़ा एजेंडा उनका यही है। और अभी 2 दिन पहले जो लव जिहाद का कानून था उसको और पुख्ता किया गया और कड़ी धाराएं लगाई गई हैं, अब तो उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, ये तक उसमें कहा गया है। तो आपको लगता है कि उससे भी एक पर्टिकुलर तबके में बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है? एक महीना पहले एक इस्लामिक स्कॉलर लेडी ने इस बात की पुष्टिकरण की थी, जो सारे न्यूज़पेपर्स में भी आया था, सारे वेबसाइट पे भी आया था, लीगल वेबसाइट पर। उसने कहा था कि लव जिहाद होता है और ये इस्लाम का पार्ट है। सनातन और गैर धर्म की बच्चियों के साथ अगर आप रेप कर रहे हैं तो वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन से सही है। मैंने ट्वीट भी किया हुआ है और मैंने अपनी मर्जी से कुछ बोल करके ट्वीट नहीं किया है। उस वो महिला जो इस्लामिक स्कॉलर है, जो उसने अपना बयान दिया है, मैंने उस बयान के आर्टिकल को ही ट्वीट किया है, उस महिला की तस्वीर भी है उसमें। अब आती है बात कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर के आप मध्य प्रदेश में, आप मोहन यादव जी की सरकार देखिए या आप राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री के मुंह से एक बात जरूर निकलती है कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को और सख्त बनाया गया, सबसे ज्यादा मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर चिल्लाए। मैंने उस पर कहा भी कि भैया चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लव जिहाद करवाते हो, इसका मतलब है कि फॉरेन फंडिंग जो है इस्लामिक कंट्री से फंडिंग आती है, इसका मतलब है कि मदरसे के अंदर बच्चों को पैसे दिए जाते हैं और उनको समझाया जाता है कि सनातनी बेटियों को पहले सेक्सुअली यूज करो और फिर काट करके फ्रिज में रख दो, तभी ना आप चिल्ला रहे हैं। क्या भारत में मुसलमान बेटियां मर गई हैं या मुसलमान बेटियों से इतनी नफरत हो चुकी है कि अब सनातनी बेटियों को ही प्यार के जाल में मुसलमान लड़कों को फंसाना है? मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने नेशनल न्यूज चैनल पर भी विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने कहा है कि लव जिहाद के का जो पेनल्टी है, जो पनिशमेंट है, उसको उम्र कैद से हटा करके उसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए और वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 3 महीने के अंदर देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बार बार सुबह से नेशनल न्यूज पर कह रही हूं, कि राजू को और मोईद खान को अरेस्ट तो किया गया है लेकिन उसको जेल का घर जमाई ना बना करके, महीने में एक दिन मटन ना खिला करके, एक दिन फिश ना खिला करके, एक दिन मुर्गी ना खिला करके, कैरम बोर्ड और टीवी की सुविधा ना दिलवा करके क्या ही हो जाएगा अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको फांसी की सजा दे दी जाए? तो एक नजीर तो बनेगा, एक ऐतिहासिक फैसला तो होगा
कि एक अनाथ बिना बाप की मासूम 12 साल की बच्ची को तुम उसको आराम से अपने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनाते हो, उसको धमकाते हो, उसको डराते हो, फिर तुम पुलिस प्रशासन को डरा करके उसको इस्तेमाल करते हो, पुलिस प्रशासन को तुम अपना पपेट बनाते हो, और तुम पुलिस के नाक के नीचे तुम बलात्कार और गैंगरेप जैसा आरोप करके तुम पुलिस को उंगली दिखा करके ये कहते हो कि तुम अविदेश के लाडले दोस्त हो और समाजवादी पार्टी के बहुत जरूरी नेता हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे ऐसे पावर के नशे में डूबे हुए मुसलमान नेता हो या हिंदू नेता हो, उसको फांसी की सजा लगनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो कृत्य है ये कतई हल्का नहीं है, इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि डिम्पल यादव और उनके सपोर्टर्स को आड़े हाथों लिया। और जैसे कि नाज़िया खान जी ने कहा, जितने भी बीजेपी की स्टेट्स हैं वहां पे अगर आप डेटा निकालेंगे तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, यानी कि जो औरतों और महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होता है उनकी परसेंटेज काफी ज्यादा कम है उनके मुकाबले जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। और जैसे कि हम देख रहे हैं जो 37 सीट समाजवादी पार्टी जीती है, आज उत्तर प्रदेश के आम आदमी को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा क्राइम जो है वो लव जिहाद का है। जैसे कि नाज़िया खान जी ने कहा कि लव जिहाद जैसे क्राइम के ऊपर डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।